हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का। और मैं मतलब चिमटी से ना बिच्छू बूटी निकाल रही हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। मैं पहली बार बना रही हूँ बट बनी अच्छी है, बहुत अच्छी बनी थी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में आगे किस तरह से मैंने बनाई है। जो बिच्छू बूटी बनाते हैं उनको तो पता होगा। तो मैंने पहली बार बनाई है, किस तरह से बनाई है आप लोग साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मौसम ना आजकल बारिश बारिश हो रही है। तो इसके जो टॉप के जो रहते हैं ना पत्ते, वही उठाने पड़ते हैं, वही काट रही हूँ चिमटे से। तो इस तरह से देखिए ना एकदम साफ साफ जो रहते हैं। आजकल ना थोड़ी सी पीछे गर्मी आ गई थी, बारिश की वजह से मौसम फिर से मतलब ठंडा हो गया है और पहाड़ों में फिर से स्नोफॉल हो गई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने सारी जो उठा ली थी, तो यहाँ पे मैं इसको धोऊंगी। ये मैंने तंसले में निकाल दी है। और तंसला ना इसके लिए थोड़ा सा मतलब कम पड़ रहा था, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई जो मैंने सारी इकट्ठी की ना, तो ये ज़्यादा होगी। तो इसको ना मैं एकदम से जब धोऊंगी, हाथ से तो लगा नहीं सकते इसमें, क्योंकि हाथ में बहुत लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको चिमटे के ही सहारे वॉश कर रही हूँ, बट ये अच्छे से ना हो नहीं रही थी, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। और यहाँ मैंने ये बाल्टी में डाल दी और बाल्टी में अच्छी तरह से ये धुल गई थी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बाल्टी में डाल दिया और फिर यहाँ से निकाल के उस तरह से ये देखिए चिमटे के ही सहारे कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा तीखी होती है, इसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। बट इसकी जो सब्ज़ी होती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे मैंने कुंडी ला दी है, क्योंकि मेरे पास ग्राइंडर नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से कूटूँगी। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसको कूट ली हूँ, क्योंकि अगर इसको हम कूटेंगे तो इसका ये तीखापन भी चले जाएगा और हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। बहुत ही ग्राइंडर में उतनी अच्छी शायद नहीं बनती है, क्योंकि चटनी वगैरह हम बनाते हैं तो उतनी टेस्टी नहीं होती है। जैसे हम हाथ से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये देखिए उतना भी मतलब बारीक नहीं की थी मैंने, क्योंकि जब ये पकेगी ना तो अपने आप ही ये पतली सी हो जाती है बिल्कुल। इसको थोड़ा सा पकाना ज़्यादा होता है, तो ये अपने आप ही पतली हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारी ये इसको कूट लिया था, अच्छे से बारीक बारीक कर लिया था। और इसमें मैंने ना थोड़ा सा पानी ऐड किया है और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड कर दी हूँ। यहाँ पे ना ये चूल्हे में हमने चढ़ा दी है, तो चूल्हे में जल रही है आग। तो देखिए फ्रेंड्स, चूल्हे में आग भी जल गई हमारी। तो अब इसका इंतज़ार है जब तक ये पकेगी। तो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज तो ये हमारे बनके रेडी हो गई थी, बस इसमें तड़का लगाने को था। तो ये देखिए ना इसमें थोड़ा सा मतलब ये नीचे लगी थी, क्योंकि पानी मेरे थोड़ा सा कम डल गया था, क्योंकि मैंने एक ही गिलास डाला था, शायद इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलना था। मैंने पहली बार बनाई है तो इतना मेरे को आइडिया नहीं था। तो इसको मैं कड़छी के सहारे बारीक बारीक कर कूटूंगी। तो ये अच्छे से बन गई थी। और ये देखिए, तो अभी ना मैं इसको तड़का लगाऊंगी, तो बने रहिए वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑयल इसमें डाल दिया, थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें ज़्यादा डाला है। और यहाँ देखिए ये मैंने प्याज लिए हैं, दो प्याज और लहसुन की पत्तियाँ और प्याज की पत्तियाँ ली हैं। तो वो भी मैं इसमें बारीक बारीक सी कट कर लूँगी। और ये देखिए ये मेरी लहसुन की पत्तियाँ हो गई थी और ये मेरी प्याज की पत्तियाँ हैं। तो ये भी मैं मिक्स करके इसी में ही काटूँगी, बहुत टेस्टी बनती है इसी सब्ज़ी। आजकल तो हमारे बहुत सारे लहसुन प्याज वगैरह रहते हैं ना गाँव में, तो इसकी पत्तियाँ बहुत सारी हैं, तो ये सब्ज़ी के लिए बहुत टेस्टी होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्याज लिए हैं दो और मैं इनको कट कर लूँगी। और वहाँ पे मैंने ना ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल मेरा गरम हो रहा है, जितने मेरा ऑयल गरम हो रहा है उतने मैं ये पत्तियाँ और ये प्याज काट रही हूँ। और ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया है। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया और मिर्च डाल दिए, थोड़ा सा इनको भूनूंगी, क्योंकि
ये जब ब्राउन हो जाएंगे ना, ब्राउन होके इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। यहाँ पे मैंने प्याज इसमें ऐड कर दी है। तो चूल्हे की आग हमारी जल रही है, आजकल ठंड भी है, तो यहाँ पे मैंने हल्दी इसमें ऐड कर दी और थोड़ी सी नमक और गेहूँ का आटा। तो अब मैंने इसमें जो ये पत्तियाँ हैं ये भी डाल दी हैं, अच्छे से इनको भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें सब्जी ऐड करूँगी, थोड़ा सा वेट करूँगी अच्छे से भून जाए। तो फैन से देखिए ये अच्छे से भून गई है, और इसमें मैंने ये जो सब्जी मैंने उबाल के रखी थी वो ऐड कर दिया, और थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर उबाल आने तक का वेट करूँगी, और फिर हमारी सब्जी एकदम रेडी होगी। तो ये देखिए फैन से अच्छे से रेडी होगी। तो आप लोग भी बना सकते हैं, और मैंने पहली बार बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी है, मैंने टेस्ट कर ली, और आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर। और कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल में प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलती हूँ ऐसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू एंड बाय बाय।